ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई। ट्रेन और रेल सेवाएं घने कोहरे के चलते बुरी तरह प्रभावित हुई। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हुई तो फ्लाइट भी कई रद्द करनी पड़ी। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, 6 शहरों की ये तस्वीरें मौसम का ताजा हाल बता रही हैं। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोहरे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हर तरफ आसमान पर कोहरे की सफेद चादर ढकी है तो तेज हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। यानी सर्दी और कोहरे के साथ ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया है। उत्तर भारत में ठंड की वजह से सबसे ज्यादा असर रेल पर पड़ा है। तमाम शहरों में रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिर जमे हुए हैं। किसी की ट्रेन 6 घंटे लेट है तो किसी को अपनी गाड़ी के लिए 15 घंटे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो इस बात की है कि मुसाफिरों के ठहरने के लिए ना ही स्टेशनों पर माकूल इंतजाम है और ना ही रेलगाड़ियों की सही जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था। गाड़ियां भी लेट चल रही है सहरी, ये भी करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे गाड़ी लेट हो रही है। जिस समय आप ठंड बहुत है, कोहरा बहुत अधिक है, गाड़ी नहीं चल पा रही है ड्राइवरों से। सर आपकी धुंध एक्चुअली ज्यादा पड़ गई, जब सर मोनीटा माते पाँचवे पूरा कुछ आमने सामने को दिखता नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर जो लोग जमे हैं उनकी तकलीफ समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हैं उनके लिए कोहरा बेहद खतरनाक बना हुआ है। सड़कों पर मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जरा ये 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए, अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि कोहरे का कोहराम कितना मचा हुआ है। कई ट्रेनें जो रद्द करनी पड़ी, बहुत चल भी रही हैं तो बहुत ही लेट लतीफ चल रही हैं। सड़क पर भी इसका असर दिख रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्याओं से भी आपको 2-4 होना पड़ेगा। हवाई यातायात भी ठप है, कई ट्रेनें हैं, कई हवाई जहाज हैं जिन्हें रद्द किया गया है ट्रेनों के साथ साथ। तो 3 तस्वीरें जो कोहरे का कहर बरप रहा है तीनों ही जगह, यानी रेल यातायात पर, सड़क यातायात पर और हवाई यातायात पर। तो उत्तर भारत में कोहरे का ये कोहराम है जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान है क्योंकि उन्हें ट्रेन की अगर बात करें तो लोगों को जानकारी भी नहीं है कि कौन कौन सी ट्रेन रद्द होंगी। अगर रुकना है तो रात भर स्टेशन पर ही आपको इंतजार करना पड़ रहा है, दिक्कतें काफी। हमारे साथ हमारी सहयोगी शीतल नांदल इस वक्त जुड़ चुकी हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त हमारे साथ हैं। शीतल, क्या तस्वीर वहां पर, लोग कितने परेशान, क्या उनको पूरी तरीके से जानकारी दी जा रही कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द होंगी, पहले से किसी को जानकारी मिल पा रही है? अर्पिता, बिल्कुल, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर खड़े हैं और लोगों से जब हमने बात की तो जानकारी का थोड़ा अभाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। जिस तरह से कोहरे की वजह से सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो 71 ट्रेनें जो है यहाँ पर देरी से पहुँच रही हैं, उसके साथ साथ 28 ट्रेन जो है उनका टाइम जो है रीस्केड्यूल किया गया है, जिसके अलावा 4 ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई। इसकी जानकारी कल ही हालांकि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आ गई थी कि 4 ट्रेनें आज रद्द हो गई हैं और कल के लिए भी कल ही जो है 4 ट्रेनें रद्द हो चुकी थी। हालांकि ये आंकड़ा जो है अभी 6:30 बजे का है, अभी जो है वक्त बढ़ने के साथ साथ जो है हमेशा हमने देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, 12 से 14 ट्रेनें हर रोज ऑन एन एवरेज जो है दिल्ली के सिर्फ एयरपोर्ट, दिल्ली के सिर्फ रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो है कैंसिल हो रही है। उसके साथ साथ जो इनका रेलवे का जो पोर्टल है NTES, उस पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि देश भर में 149 ट्रेनें आज 11 दिसंबर को जो है वो कैंसिल हुई हैं। इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि लोग हम इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, यहाँ पर जो है अमृतसर जाने वाली ट्रेन जो है आने वाली है, उसकी जो टाइमिंग बताई गई थी वो 7:40 बताई गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ लोग पहुंचे तो जो है रीस्केड्यूल टाइम जो है 10:30 बजे का हो गया। लोगों को इसमें क्या समस्या हुई, उनको जानकारी मिली या नहीं, इस पर बात करेंगे। मैडम आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम लोग हावड़ा से आए। अच्छा, दुरंतो से आए, 13 घंटा तो लेट आई। अच्छा, उसके बाद हमें ये हरियाणा भिवानी जाना है, आज की शादी है और ट्रेन निकल गई और अभी तक ट्रेन कोई है नहीं, सब लेट हो। हावड़ा से ये लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन लेकर भिवानी जाना था, वो मिस हो गई है क्योंकि हावड़ा 13 घंटे की देरी पे थी। मैम आप बताइए, आपको कहाँ जाना है? हमने जाना जलंधर। जलंधर, तो
इसी ट्रेन से जाना है आपको जो अभी आने वाली है, कितनी देरी हो गई है इसमें 3 घंटे की, बताया गया था आपको? हाँ, हमने किसी की डेथ हो गई थी वहाँ जाने के लिए था, तो देर हो गई है, अब क्या किया जा सकता है। जानकारी थी आपको कि ट्रेन देरी से होगी, आप लोगों ने चेक किया था? कोई नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, कितने बजे ट्रेन का टाइमिंग क्या था वैसे? 7:20 था, और अभी क्या बताया जा रहा है? अभी 10:30 10:30 का टाइम बता। सर, आप भी क्या इसी ट्रेन से जाने वाले थे? नहीं, आप जाने वाले इस ट्रेन से, अमृतसर वाली ट्रेन से? नहीं जी, अमृतसर। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद है जिन्हें इस प्लेटफॉर्म से जो है ट्रेन को लेना था, अलग अलग कारणों से लोगों को अपनी जगह जाना है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये कि ट्रेन की जानकारी नहीं मिल रही सही वक्त पे। हालांकि ऑनलाइन इसकी जानकारी होती है, लेकिन सब लोग उसे चेक नहीं कर पाते। और खास बात ये होती है कि जैसे 7:40 की ट्रेन है, तो 7 बजे अगर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और उससे पहले अगर उसे रीशेड्यूल टाइम नहीं बताया गया, तो जाहिर तौर पर लोगों को प्लेटफॉर्म पे सर्दी में इंतजार करना पड़ता है। अर्पिता, बिल्कुल शीतल, कई बार ऐसा होता है कि चीजें अपडेट भी नहीं की जाती अगर ऑनलाइन की बात करें, जिसके कारण भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते और सोचते हैं इससे अच्छा है स्टेशन चलते हैं, कहीं गाड़ी मिस नहीं हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द।